Live, a platform to sharing your thoughts. नेशनल स्टार अवार्ड, और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी मेहनत के बलबूते अपने व्यापार को देश और विदेशों में आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे कबीरा मस्टर्ड ऑयल से डॉक्टर मनोज मुरारका जी, और आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सरसों पर बहुत ही रिसर्च किया है और आपको यूएसए, स्पेन, फ्रांस, यूएई और भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर मनोज मुरारका जी, इस प्रदर्शनी में डॉक्टर मनोज मुरारका ने अपने मस्टर्ड ऑयल ब्रांड कबीरा की भी एक स्टॉल लगाई। डॉक्टर मुरारका एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से कबीरा ब्रांड को बहुत तेज़ी से लोकप्रिय बनाया है, और यहाँ उन्होंने पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ 3 दिन तक यहाँ सेवाएं दी हैं। और न केवल यहाँ इससे मैं अपनी प्रोडक्ट की अपनी स्टॉल लगाई है, साथ ही उन्होंने पूरे आयोजन में बहुत मेहनत की है और आयोजकों की ओर से राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ का सहयोग किया है, जिसकी वजह से एक सफल आयोजन यहाँ पर हुआ है इनसे। लेकिन आज हम बात करेंगे इनके ब्रांड के बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, कैसा यहाँ पर प्रोत्साहन मिला, किस तरह का रुझान रहा, और आपकी जो कंपनी है क्या बैकग्राउंड है इसका। धन्यवाद साहब, आपने मौका दिया आपके समक्ष बोलने का। देखिए, आज की डेट में जितने भी युवक है और जो भी जनरेशन है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीच में इतना बड़ा गैप आ गया कुछ सालों का, 10 सालों का, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियसनेस तो बढ़ी है परंतु प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि कौन सा प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बेस्ट हो। तो हमने, हमारी कंपनी ने, हम रिफाइन ऑयल भी बनाते हैं और कोल्ड प्रेस भी बनाते हैं, लेकिन हम हरदम ग्राहक को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप रिफाइंड के प्रति, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो, उसके प्रति मत जाइए, आप कोल्ड प्रेस की ऑयल चल जाइए। इसी कड़ी में हमने एक पीली सरसों का तेल का भी निर्माण आरंभ किया है। ये तेल कोई हमने आविष्कार नहीं किया है, परंतु ये एक लुप्त हो चुका ऑयल है। प्राचीन काल से इस तेल की उपयोगिता हुई है, बीच में हम इसको भूल गए। इस पीली सरसों के तेल में सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसको हम हानिकारक फैट्स बोलते हैं। ये वही फैट्स होते हैं जो शरीर के अंदर जाके अपनी आर्टरीज़ में जम जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आती है, कैंसर इससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, शुगर है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां आज अपने को देखने को मिल रही है, और देखने को भी बहुत कम उम्र में मिल रही है कि आज 20 साल, 25 साल, 30 साल के युवक को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या कैंसर हो जाता है, या बीपी या शुगर हो जाती है। तो अगर अपन सही सिलेक्शन करें अपने खाने के पदार्थ का, क्योंकि आज जो हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी कोई मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चेंज नहीं हुई है। आज भी ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो हज़ारों साल पुराना है। आप मान लीजिए कि जो कृष्ण भगवान की बॉडी स्ट्रक्चर था, या रामचंद्र जी का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जैसे वो खाते थे, जिस नाक से भी वो सूंघते थे, कान से सुनते थे, ऑक्सीजन के ऊपर जीते थे, तो आज भी हम कर रहे हैं। तो यानी अपनी जो मशीनरी है, ये बॉडी जो अपनी मशीनरी रूपी ये जो बॉडी है वो भी आज प्राचीन है। तो इस कारण से अपन जितना प्राचीन अपना खान पान रखेंगे, उतनी अपन बीमारियों से दूर रखेंगे। यही हमने इसको करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी हमारे स्टॉल पे आके इसका शुभारंभ किया। उनके यहाँ से हमें ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, और तो बहुत से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ऑर्डर प्राप्त होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने पीली सरसों का हमें ऑर्डर दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज राजस्थान सरकार निरोगी राजस्थान बनाने के तरफ बढ़ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, उन्होंने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया है। अगर अपन निरोगी हैं तो ही बाकी अपनी जो फैसिलिटीज़ है या अपने जो लग्जरी है उसका अपन यूज कर पाएंगे। अगर शरीर ही निरोगी नहीं रहा तो सारा निरर्थक है। तो इसी को हम कंसेप्ट को लेते हुए अपने ब्रांड को चला रहे हैं। रिफ़ाइन भी हम बना रहे हैं, परंतु हम आपके माध्यम से बोलते हैं कि हमारा रिफ़ाइन भी मत खाइए, वो भी क्योंकि रिफ़ाइन एक केमिकल प्रोसेस से बनता है, चाहे कोई भी रिफ़ाइन हो, और वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। आपको कोल्ड प्रेस ऑयल खाना चाहिए। देखिए मनोज जी, आप भी कह रहे हैं कि जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, इसके बावजूद और एक और बड़ी बात है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। यहाँ मिलें भी काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलें संघर्ष कर रही हैं, कुछ बंद हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इम्पोर्टेड पाम ऑयल है या और दूसरी तरह के ऑयल हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है, और आप क्या देखते हैं कि किस तरह यहाँ जो मस्टर्ड ऑयल की इंडस्ट्री है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसमें इम्पोर्टेड जो ऑयल है वो कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए साहब, सरसों एक बहुत ही बेहतरीन फसल है राजस्थान के लिए, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक वरदान है ऊपर वालों के लिए, ऊपर वाले का राजस्थान के लिए, जहाँ पे इतनी कम बारिश होती है और क्लाइमेट बहुत सुख से, एक एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठंड में बहुत ठंड है, गर्मी में बहुत गर्मी है। सरसों एक ऐसी फसल है जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आप ज़मीन दीजिए, उसको कोई पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो 800-900 केजी पर हेक्टेयर में उसका उत्पादन हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को अपने को बढ़ावा देना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन पर केंद्र सरकार को लिखा भी है कि साहब आप अपने ब्लेंडेड ऑयल को बंद कीजिए, क्योंकि ब्लेंडेड ऑयल शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि पाम ऑयल बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सरकार से ये भी निवेदन किया है, मैंने केंद्र सरकार से भी ये निवेदन किया है कि आप तेलों पे टैक्स उसकी गुणवत्ता के हिसाब से लगाइए। आपने सभी तेलों को एक ही टैक्स स्लैब में रख दिया है। आज सरसों है, अगर ये शरीर के लिए आपने केंद्र सरकार ने भी नारा दे के रखा है कि भाई स्वस्थ भारत, तो स्वस्थ भारत सिर्फ नारा देने से तो नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट वैसे सेलेक्ट करवाने पड़ेंगे, उनकी उपलब्धता मार्केट में करवानी पड़ेगी रीज़नेबल प्राइस में। तो रीज़नेबल प्राइस में टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने उनसे गुजारिश की है कि जिस तेलों में 10% तक सेचुरेटेड फैट्स है उसको 0% के अंदर आप टैक्सेशन कीजिए, जिसके अंदर 10 से 20% सेचुरेटेड फैट्स है उसको 5% टैक्स लगाइए, जिसके ऊपर 20 से 30% सेचुरेटेड फैट्स है उसको 12% लगाइए, और जिसके ऊपर 30 से अधिक सेचुरेटेड फैट्स है वो तो एक प्रकार से स्लो पॉइजन है, तो उसके ऊपर 18% लगाइए। आज हम तंबाकू के ऊपर और सिगरेट्स के ऊपर भी तो हाई टैक्स इसी कारणवश लगाते हैं क्योंकि इसका एक दुष्परिणाम होता है शरीर पे और मानव जाति पर। तो उसी प्रकार तेल, हालांकि जो गुटखे हैं और सिगरेट है उसके लिए तो आपने कम से कम उम्र तो तय कर रखी है कि 18 साल से नीचे का उपभोक्ता उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, परंतु तेल तो एक जन्मते बच्चे की दूसरे दिन से मालिश होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये जो अपना मैसेज है ये जनता तक अपन पहुंचाए, और इस प्रकार से अपन और भी प्रोडक्ट है जिसमें अपन रिसर्च करके, थोड़ी बहुत मेरी भी रिसर्च की हुई है, मुझे आज मेरी रिसर्च के ऊपर से अमेरिका की सरकार ने भी सम्मानित किया है, इजराइल ने, स्पेन ने, इटली ने, नेपाल ने, भूटान ने, और भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया है इन सभी रिसर्चों के ऊपर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज अगर मानव जाति ज़िंदा रहेगी तो ही हमारी कंपनी चल पाएगी। अगर मैं गलत प्रोडक्ट आज दूंगा तो कल मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कबीरा को इस एग्जीबिशन में कैसा रिस्पांस मिला है? नहीं, मुझे बहुत उत्साह मिला लोगों को, और जब तेलों के विषय में हमने उनको जागरूक किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुना। अब एक देखिए, बड़ी कंपनियाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट लेके आ रही है कि साहब तेल बदल बदल के आप हमें यूज कीजिए। मेरा प्रश्न उन सारी कंपनियों से एक ही था कि साहब आपके पास गाड़ी तो होगी ना? बोला हाँ। तो मैं लो कौन सी गाड़ी है? बोले डीजल की गाड़ी है। तो मैं लो एक काम कीजिए, आप इसको 3 महीने तो डीजल पे चलाइए, 3 महीने पेट्रोल पे चलाइए, 3 महीने केरोसिन तेल पे चलाइए, और फिर 3 महीने सरसों तेल पे चलाइए। उसके बाद अपन देखते हैं कि गाड़ी की क्या हालत होती है। अगर वो सही है तो आप भी तेल बदल बदल के पीजिए। ऐसा नहीं है सर, ये बदलने का जो कंसेप्ट है ये फॉरेन का कंसेप्ट है। वहाँ पे व्यापार बदला जाता है, व्यवहार बदला जाता है, वाइफ बदली जाती है कंटिन्यू और खाना बदला जाता है। इंडिया में तो स्थिरता का है, अपन तो एक चीज़ से जुड़े हुए हैं व्यापार से, तो उसी से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और एक ही पत्नीव्रता होता है और एक ही पतिव्रता होता है, तो अपने यहाँ पर चेंजेस नहीं है। अच्छे चीज़ की तरफ आपको डाइवर्ट होना चाहिए। ये तो भगवान की बनाई हुई गाड़ी है जो कि डीजल और पेट्रोल और केरोसिन में भी आपको 40 साल तक खींच देती है, अन्यथा इंसान की बनाई हुई गाड़ी में एक बार पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के देखिए, फिर से आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन सही था या गलत। तो डॉक्टर मनोज मुरारका एथिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही इन्होंने ये कबीरा जो ब्रांड है इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं और इस पूरे आयोजन में इनका महत्वपूर्ण भागीदारी थी, सहयोग था, जिसके कारण एक सफल आयोजन हो पाया। कैमरामैन बीनू सोलंकी के साथ बी के शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.